लालचंद कटारूचक दे नाल जुड़ी इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करदे हां। लालचंद कटारूचक दी वायरल वीडियो नूं लैके एक वड्डा खुलासा होया है। पीड़ित ने अपने बयान वापस लै लए हन। विरोधी बोले कि उसनूं डराया गया है। ते हुण सुणदे हां कि इस मामले नूं लैके अकाली दल लीडर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अते कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की कुछ किया है। सरकार दी कटारू चक नूं लै के ओह किन्ना सरकार ओहनूं प्यार करदी है कि इस तरीके नाल ओहनूं जफ्फा पा के बैठी है। जफ्फियां तां इहदे सामने छोटियां रह गईआं। जफ्फा पाउण वाले नूं कटारू चक नूं जिहड़ा इंसान नहीं ओह राक्षस दे रूप च इत्थे प्रेडेटर दा काम कर रिहा, उस बंदे नूं बचाउण लई सरकार की कर रही है कि जो एस आई टी बनी सी, मैं 22 मई नूं गल स्पष्ट करती सी कि जिहड़ी एस आई टी बनी इहनूं क्लीन चिट दऊगी, उही गल हो गई। मैं समझा हुण इक नवां परचा बणदा, पहलां तां कल्ला सोशल दा बणदा सी, हुण इह परचा वी बणदा गवर्नर साहब। और इह परचा चंडीगढ़ दर्ज होवे, जिहड़ी मैं आपदी चिट्ठी च तुहानूं लिखिआ, जे तुसीं इंसाफ पसंद हो तुहानूं इह परचा चंडीगढ़ कराउणा चाहीदा, ना केवल इस गल दा कि इस ते कारवाई कोई नहीं हुई, मैटर थोड़े अधीन सी, जे पंजाब सरकार ने नहीं कोई कारवाई कीती तुसी कराओ, इस गल दा भी परचा दर्ज होना चाहिदा समुची एस आई टी ते कि किवें उस कंप्लेनेंट नूं डराया धमकाया गया। कटारू चक ने ओहनूं दबाउण दी, डराउण दी, खरीदण दी कोशिश कीती है, तदे अज ओह पिछे हट गया। पिछे हटना ही सी, गरीबां दा किड्डी क लड़ाई लड़न दा, जब 2.5 महीनिआं च कोई कारवाई नहीं हुई, वो समझ गया कि नहीं भाई इतने इंसाफ नहीं होना, इन्हां नाल समझौता कर दियो। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से फिर से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप इन मिनिस्टर के ऊपर में एक्शन तुरंत लीजिए, हैं? आप भूलिए मत, हैं? ये हीनियस क्राइम है, इन्होंने कर डाला, उनको रखने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, ही शुड ही डाउट। देखिए, एक जांच टीम जो ऑनरेबल हमारे एससी कमीशन जी हैं, एससी कमीशन साहब की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जो टीम निर्धारित की गई है वो अपना काम कर रही है। मैं समझता हूं बार बार इस मुद्दे को उछाल के हम जो टीम काम कर रही है उसके काम में बाधा मत डालें, वो अपना काम कर रही है। उनकी रिपोर्ट वो कब देनी है, कैसे देनी है, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन जो जारी की गई है उसके मुताबिक। नवी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करो PBX News, द ऑफिशियल YouTube चैनल।